भी ओएमबी साहब को नहीं सुनेगा, नेवर नेवर एवर। वो तो बूथी देख के फैसला करते हैं, आपको पता है आप रेलवी रहे हैं। मैंने भी ये जो पगड़ी पहनी हुई है इसी वजह से पहनी है, वरना तो ना मेरी बात भी सुननी थी। बिहम्दिल्लाह ताला हम सुन्नी मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर इस नियत के साथ अमल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहु की रज़ा और खुशनूदी हासिल हो, और इसके सिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आखिरत में इसका अजर और सवाब अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसके सिले में जन्नत जैसी अपनी अजीम नेमत अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा पर अमल पैरा होने की नियत और जज्बा एक मुसलमान का होना भी यही चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहु इससे राज़ी हो जाए। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी ने निकल जाती है सच्ची बात जिनके मुंह से मस्ती में का मिस्ताक ठहरते हुए सच्ची बात अपने मुंह से निकाल दी है कि मैंने ये जो गेटअप और होलिया इख्तियार किया है, सर पे इमामा मिर्ज़ा जेलमी बांधता है या मिर्ज़ा जेलमी ये पूरा गेटअप और होलिया जो बनाता है, तो उसकी वजह ये बयान कर दिया है कि अगर ये कहता है ये जो मैंने इमामा में इसलिए बांधा है, किस लिए कि ताकि ये लोग जो सुन्नी बरेलवी सीधे साधे जो अवामी सतह के लोग हैं वो मुझे सुने, मेरी तरफ उनकी एक दिलचस्पी हो और मुतवज्जे हो, मेरी तरफ एक अट्रैक्शन हो, और जिसकी बुनियाद पे मिर्ज़ा जेलमी जो है वो लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसा सके। ये मिर्ज़ा जेलमी ने अपनी ज़बानी इस बात का इकरार किया है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने का और सुन्नत को अदा करने का जज्बा तो ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा और खुशनूदी हासिल हो, और अल्लाह करीम जल्ला शानहू उसके सिले में हमें आखिरत में अजर व सवाब अता फरमाए।